डिस्कस बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज क्या होता है हमारे पास कि यूनिट, बेसिक यूनिट, यूनिट इज अ मेमोरी, ठीक है। और स्टोरेज यानी कोई ना कोई चीज को स्टोर किया जाएगा। इन डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिक यूनिट्स यानी मेमोरी होते हैं, वो कौन कौन से हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बिट आता है। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिटर्स, दीज डिजिटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अ बाइनरी डिजिटर्स इज कॉल्ड बिट। वन बिट टेक वन स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर डाटा स्टोरेज। हमारे पास जो है बिट किस तरह से होता है, ये इस तरह से जीरो और वन के फॉर्म में होता है। ये यहाँ पे जीरो और वन के फॉर्म में होता है, ये बिट है एक सिंगल, ठीक है। और कंप्यूटर हमेशा इसी जो है इसी लैंग्वेज को समझता है, बिट और बाइट को। बाइट कलेक्शन ऑफ बिट है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से होता है। अगर जीरो और वन की फॉर्म में की जाए तो जीरो और वन दो डिजिट हैं, लेकिन बिट की बात की जाए तो बिट या वन होगा या जीरो होगा, यानी एट अ टाइम दोनों सेम नहीं हो सकते, या वन होगा या फिर जीरो होगा। कंप्यूटर बिट के अंदर ये चीज आती है। बाइट, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट बिट्स इज कॉल्ड बाइट। इट इज यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। द कैपेसिटी ऑफ द मेमरी ऑफ द स्टोरेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। यानी बाइट क्या होता है हमारे पास, बाइट हमारे पास ये होता है कि बिट यानी जीरो और वन है। अगर कलेक्शन ऑफ जीरो वन यानी अगर वो 8 कलेक्शन आ जाए, ये 1 बाइट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 0 1। ये सारे 0 0 भी हो सकते हैं, ये सारे 1 1 भी हो सकते हैं, यानी बिट कलेक्शन ऑफ 8 बिट। 8 बिट आ जाए यानी 8 जो है ये सब 0 1 डिजिट आ जाए तो हमारा एक 1 बाइट बनता है। और 1 बाइट के अंदर जो है सिंगल करेक्टर जो है वो स्टोर होता है। इसके बाद हमारे पास इसका जो है इससे बड़ा यूनिट आता है किलो बाइट। अ किलो बाइट कंसिस्ट ऑफ 1024। इट इज डिनोटेड बाय के बी, मेगा बाइट्स। अ मेगा बाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलो बाइट्स। इट इज डिनोटेड बाय MB, गीगा बाइट। अ गीगा बाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 मेगा बाइट्स। इट इज डिनोटेड बाय GB, टेरा बाइट। अ टेरा बाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 गीगा बाइट्स। इट इज डिनोटेड बाय TB। अब इसको सार जबान में हम से समझें तो वो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ मेजरमेंट होते हैं, चीजों को मापने के क्या होते हैं, कुछ वो बने होते हैं ना, जिसमें हमारे पास एक और जैसे कि कुछ चीज लेनी हो हमने वजन करके मेट की फार्म में, तब हमारे पास क्या आता है, 1 पाव, आधा पाव, 1 पाव, फिर जो है वो के जो है 3 पाव, फिर किलो, फिर आधा किलो, फिर किलो, फिर इस तरह से 2 किलो, 3 किलो। ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास एक मेजरमेंट की जो है एक यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर भी जाहिर डेटा स्टोर होना है, कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होना है, तो उसके लिए आप कितना डेटा स्टोर सिग्नल हो सकता है, कैपेसिटी कितनी हो सकती है उसकी, उसके बिना एक ये यूनिट होते हैं, यूनिट यानी मेमोरी, ठीक है। यानी कितना जो है वो कितनी इसको स्टोरेज है, जैसे हम मेमोरी की बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल की स्टोरेज जो है बड़ी जो है फुल हो गई है, तो कैसे फुल हो जाती है, आपको कैसे पता चलता है कि फुल हो गई है। हम कहते हैं कि उसकी 3 GB RAM है या 64 GB RAM है, ये सारा क्या होता है रैम, ये साइज होता है उसका, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना जो है डाटा इसके अंदर आ सकता है। तो अब ये जो हमारे पास यूनिट्स हमने पढ़े हैं बेसिक यूनिट, तो ये सारे बिट से शुरू होता है, बिट बाइट किलो बाइट मेगा बाइट गीगा बाइट और टेरा बाइट, ठीक है। अब मजीद इसको जो है किया जाए, किलो बाइट को के बोलते हैं या के बी बोलते हैं, मेगा बाइट को एम बोलते हैं, एम बी बोलते हैं, गीगा बाइट को जी बोलते हैं, जी बी बोलते हैं, टेरा बाइट को टी या टी बी बोलते हैं। ये सबसे हाइएस्ट जो है वो आपके पास टेरा बाइट है, हाइएस्ट। ये क्लाउड स्टोरेज में ज्यादा यूज होता है। 1024 किलोबाइट बाइट, ये बाइट के फॉर्म में हमेशा होता है, ठीक है। अगर बिट की फॉर्म में से करें ना, 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 करें, तो आपके पास क्या आता है, 1024
24 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसको करके देखते हैं। अगर से हम बिट की फॉर्म में करना चाहते हैं, 1024 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास ये इतना आता, 8192, 8192 बिट्स बन जाएंगे ये बिट्स। ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। देखो इसको शॉर्टकट फॉर्म, इसे टू टू क्यों लिखा गया है, टू क्योंकि जीरो, यहाँ बिट हमारा जीरो की फॉर्म में होता है या वन की फॉर्म में होता है, नहीं, दो हमारे पास के डिजिट आते हैं, जीरो या वन की फॉर्म, इसलिए इसकी टू जो है हम लेते हैं बेस। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी पावर क्या आएगी, 10। 10 किसके हिसाब से आएगी, यानी 1024। इसको अगर ओपन किया जाए, मतलब 2 और 10 दफा जो है उसको ओपन किया जाए, एन 2 का स्क्वायर 10 लिया जाए, तो वो क्या आता है, वो आता है 1000। स्क्वायर रूट नहीं लेना, स्क्वायर लेना, ठीक है, यानी 2, इसको ऐसे हम लिखेंगे, 10 10 जो है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यूनिट की लैंग्वेज में मल्टीप्लाई ये इस तरह से लिखा जाता है स्टैडी के फॉर्म में। ठीक है, अब ये कितने, इसको हमने कितने दफा करना है, इसको हमने 10 दफा करना है, 1 2 3 4 5। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी, और तो ये मेरे पास 10 टाइम हो गया। अब इसको मैं कॉपी करके कैलकुलेटर पे करूँ, तो जो है ये कितना देता है, ये बार आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो हमारे पास इसको 10 टाइम है, इसको किया जाए तो ये हमारे पास आ रहा है 1024, ये 1024 ही हमारे पास आ रहा है। अब मजीद इसको जो है हम मेगाबाइट्स में हमने इसे देखना है, तो मेगाबाइट्स में कैसे होगा, 220, ठीक है, और इसको गीगाबाइट में 230 और 240, यानी ये किसके हिसाब से 10 20 30 40 हो रहा है, क्योंकि देखिए 1024 है, तो इसकी इसको ओपन किया जाए, मजीद इसको 1024, 210 को मजीद उसके साथ जो है वो टू, मतलब 2 को 20 टाइम लिखा जाए, तो फिर हमारे पास क्या आता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो हमारे पास तकरीबन जो है 16,000 प्लस आता है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखी जाती, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाता है, तो इसके पावर की फॉर्म में करके, जैसे लॉगरिथम में भी आपने से पढ़ा होगा, लेकिन ये थोड़ा चेंज रूल है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, तो आपको ऐसी थोड़ी बहुत मैथ इसके अंदर आनी चाहिए, तो इसको जो है हम इस पावर की फॉर्म में कर लेंगे इस तरह से। तो ये क्या हमारे पास होता है, 1 मिलियन, अबाउट 1 मिलियन, यानी इसे ओपन करके देखा जाए तो 1 मिलियन के करीब, जैसे मैं वो मजीद करूँ, अगर ये है तो इसको ये 2 टाइम था, 10 टाइम था, अब इसको मजीद हम इसमें करते हैं, अगर इसे कैलकुलेटर से करके देखा जाए 20 टाइम ये हो गया, तो ये किस तरह से जो आएगा, ये हमारे पास उसने वो मजीद वो कर ही ना रहा, मतलब 20 टाइम मैंने इसे किया, तो 20 टाइम उसे वो ये यहाँ पे ये ले, ये देखे, ये इसे जो है ये 220 था, तो ये तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा आ रहा है, 1 मिलियन से ज्यादा आ रहा है, तो इस तरह से ये 230 ओपन करेंगे, मैं 2 को 30 टाइम लिखेंगे तो वो जो है 1 बिलियन से ज्यादा आ रहा होगा, और अगर इसे 240 करेंगे तो वो अबाउट 1 ट्रिलियन से ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, ये इसके जो है साइज है करने। वन जिसे एक, यानी वन बोलते हैं, 10 जिसे 10 बोलते हैं, 100 जिसे 100 बोलते हैं उर्दू में, 1000 जिसे 1000 बोलते हैं, ठीक है, 10,000 जिसे 10,000 बोलते हैं, 110,000 जिसे 1 लाख बोलते हैं, ठीक है, 1 मिलियन किसके बराबर, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है, जब आपके पास 10 लाख या 10,000 हो जाते हैं, तो वो आपका 10,000 का आपका 1K आता है, 1K, 1K, ठीक है, और 1 मिलियन आपका 10 लाख आता है, ये आता है ना 1 मिलियन व्यूज और 1K व्यूज आता है ना आपका, तो वो के किसके हिसाब से चल रहा होता है,
यूट्यूब का थोड़ा चेंज होता है और बाकी के प्लेटफॉर्म का थोड़ा चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप 10,000 आपका होता है तो वो 1K बनता है, ठीक है। लेकिन वैसे 1K हमारा जो है यूट्यूब पे वो 1K आपका ओवरऑल 1,000 ही होता है। कि बाकी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि 10,000 इसका मतलब है 1K, अगर 1 मिलियन इसका मतलब है 10 लाख, ठीक है। अगर 1 मिलियन उसके फॉलोअर्स इसका मतलब है उसके पास 10 लाख फॉलोअर्स, ठीक है। 10 मिलियन 1 करोड़, अगर उसके पास 10 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं इसका मतलब उसके पास 1 करोड़ जो है वो है, ठीक है। और उसके 100 बिलियन 10 करोड़, और 1 बिलियन 1 अरब, 10 बिलियन 10 अरब, 100 बिलियन खरब, 1 ट्रिलियन 10 खरब, जिलियन भी है इससे ऊपर वाला, जिलियन में लिखा हुआ था। लेकिन हम जो है मोस्टली जो है इसमें करते हैं, ये देखे ना ट्रिलियन, फिर इसके बाद मजीद उसका वो आ रहा होता है, लेकिन ज्यादातर हम मिलियन में ही इसे करते हैं। तो इसके थ्रू जो है आपका ये होता है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 मिलियन है इसका मतलब ये 10 लाख आता है, ठीक है। 10 लाख, ये बिलियन है तो उसका मतलब है ये आपके पास, सॉरी बिलियन है तो आपके पास किस फॉर्म में आ रहा है इसे हम देख रहे थे यहाँ पे। अगर 1 मिलियन है तो वो हमारे पास 10 लाख है, अगर वो 1 बिलियन है उसका मतलब 1 अरब है, अगर 1 ट्रिलियन है उसका मतलब है वो 10 खरब है, 10 मिलियन में 1 करोड़ आएगा, ठीक है। इस तरह से ये उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो यानी इतनी इतनी ये क्या है, ये साइज है उसके, यानी गीगा बाइट सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे इधर, GB जिसे हम बोलते हैं, 4G बोलते हैं वो भी इसी से। एक्चुअली में जी का यूज होता है वर्ड जनरेशन के लिए और GB का होता है गीगाबाइट, ठीक है। तो ज्यादातर ये मोस्टली यूज होता है इसके अंदर, यानी जो है आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है मेमोरी की। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बिट यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 और 1 आता है, ठीक है। अगर आप जो है लिखते हैं हमारे पास, अगर आप लिखते हैं कैपिटल B उसका मतलब होता है बाइट्स, ठीक है। अगर आप लिखते हैं स्मॉल बी उसका मतलब होता है बिट्स। अगर इन केस यहाँ पे यहाँ पूरा बाइट्स लिखोगे, ठीक है, या फिर जो है आप कैपिटल B लिखोगे, अगर आप इसे जो है इस या बाइट्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो पूरा होना चाहिए अगर छोटे में B में लिखना है। अगर इन केस आप इसे लिखते हो MB, इसके बाद हमारे पास आता है तो वो आते हैं 1024 KB, ठीक है। तो अगर KB की बजाय मैं इसे ऐसे कर लूँ, ये किलो बिट्स पर सेकंड हो जाएगा, ये किलो बाइट्स होता है, ठीक है। यानी इसकी बात करें हम तो ये इसका मतलब होता है किलो बाइट्स, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये आपके पास होता है किलो बिट्स। तो यानी इतना, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज है केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मीन कि ये कि केस क्या होता है, अपर केस और लोअर केस होता है, ठीक है। अगर आप कैपिटल B लिख रहे हैं और आप लोअर B लिख रहे हैं तो वो दोनों को डिफरेंट समझती है, एक जैसा नहीं समझती। हम इंसान कहते हैं कि सेम ही है, लेकिन ये जो है ये सेम नहीं होता। अगर आप पासवर्ड भी रखते हो, अगर आपका पासवर्ड B बड़ा B था यानी कैपिटल B था और बाद में आपका छोटा B भी था यानी लोअर केस में था, तो वो अगर आप BB डाले जा रहे हो तो वो बेशक वो आप स्मॉल में डाले जा रहे हो, लेकिन जब तक आप कैपिटल B नहीं डालोगे तो आपका पासवर्ड वो करेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों को अलग अलग समझता है। अलग कैसे समझता है, इसलिए अगर आप जो है बाइट्स की जगह मतलब B की जगह छोटा B लिख दें, यानी सिर्फ सिम इस तरह से किलो B ये इस तरह से लिख दें, तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी आपका वो सारा, आप पूरे का पूरा साइज ही चेंज कर रहे हो उसका, तो इसलिए आपका वो सारा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो ये बहुत आपने ध्यान में रखना। इसके बाद आपके पास आता है GB, ठीक है। तो ये आपके पास आता है 1024 MB, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आता है टेराबाइट, तो ये आप ये होता है 1024 GB। इस तरह से आपने इसे लिखना है, या इस तरह से लिख लें, दो तरीके हैं, या इस तरह से लिख लें या सिंगल B वो B लिख लें जब बाइट्स की बात हो रही है। इस तरह इसको ओपन करके भी आप लिख सकते हैं, कैसे आप इस तरह से लिख सकते हो किलो बाइट्स, ठीक है। स्पेस से भी कोई फर्क नहीं इसमें, इसमें इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, किलो बाइट्स। या इसको दो तरीके हैं ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको जो है हम लिखेंगे मेगा बाइट्स, ठीक है, ओपन करके ना। तो जो है इसको जो है आप लिखोगे कि गीगाबाइट्स, ठीक है। दो तरीके हैं,
यहाँ जो ये पहले वाला तरीका यूज कर लो, यहाँ पे जो है आप ये वाला तरीका यूज कर लो, इसको ही लिखने का तरीका कार होता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ड। अ कंप्यूटर वर्ड इज द नंबर ऑफ बाइट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज नॉर्मली द साइज ऑफ अ रजिस्टर। द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। द लार्जर वर्ड इंडिकेट्स मोर पावरफुल कंप्यूटर्स। यानी इसमें क्या होता है कि ये साइज होता है रजिस्टर का, रजिस्टर इज आल्सो मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये आके मजीद आप इसे डिटेल से पढ़ोगे, अभी बस आपने याद रखे कि मेमोरी यूनिट है, यानी स्टोरेज के अंदर जो है मेमोरी होती है उसको उसका एक यूनिट होता है। कितना जो है, जैसे 3 GB RAM, 4 GB RAM, इस तरह से होता है ना साइज, उसके साथ ही भी होता है। द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के लिहाज से आपके मोबाइल के बड़े होते हैं, क्योंकि मोबाइल की जो है कैपेसिटी वो 3 GB RAM होती है, किसी की 64 GB होती है, ठीक है, किसी की जो है वो 128 होती है, तो इससे ज्यादा जो है आई थिंक सो ज्यादा ही चलती है। लार्जर वर्ड इंडिकेट्स मोर पावरफुल मोर पावरफुल कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी जितने ज्यादा वर्ड होंगे उतने ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर, किसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से। जाहिर है एक वही कंप्यूटर अच्छा है जिसकी कैपेसिटी अच्छी है, एक मोबाइल वही अच्छा है जिसकी स्टोरेज अच्छी है। ठीक है, बेशक उसके बाकी सारे फीचर अच्छे हों लेकिन इसकी स्टोरेज फुल हो जाती हो तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, मतलब कस्टमर को पसंद नहीं आता, यूजर को पसंद नहीं आता। यहाँ पे अब क्या हो, इसका क्या हिसाब है, नंबर ऑफ बाइट्स 1 byte के अंदर 8 bit होते हैं, पीछे पड़ा है। वेरी अर्ली पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो हम आमतौर पर यूज करते हैं उनके अंदर यूज होता है। 2 byte 16 bit सिस्टम होता है। ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर, यानी जो रवायती हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर पहले से मौजूद जो कंप्यूटर थे यूज होता था उनके अंदर यूज होता है। सिंगल वर्ड 32 bit में आता है। ठीक है, अगर आप इसका करें ना 8 का जो है, 8 की पावर करें, 8 की पावर 2 की पावर 1, ठीक है, सॉरी 8, 8 की पावर क्या आती है 1, 8, 8 की पावर 2 16, 8 की पावर 3 32, 8 की पावर 4 क्या आता है, 8 की पावर 4 करें ना, यानी इसको हम 8 मल्टीप्लाई 8, 8 सॉरी 8 मल्टीप्लाई 8 64 आ गया ना हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसे 8 8 के हिसाब से नहीं चल सकते, इसको हम किसके हिसाब से चलेंगे, 2 के हिसाब से, 2 के हिसाब से। यानी जब हमारे पास 2 की पावर 3, 3 से शुरू होता है, ठीक है, 3 का 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, उसके हिसाब से ही चलता है। सिंगल वर्ड 32 बिट्स और डबल वर्ड 64 बिट्स। यानी ये टेबल आप इसका, ये कहाँ पे यूज होता है, 64 सुपर कंप्यूटर्स और सम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। ये कंप्यूटर की टाइप्स होती हैं, सुपर कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर वगैरह, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, बड़े, ये उसी ने हमने डिस्कस किया था इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली जो चीज है इसमें ये है कि हमारे पास एक वर्ड जो होता है उसके अंदर 4 bytes आते हैं, 4 bytes आते हैं, एक वर्ड के अंदर हमारे पास 4 bytes आते हैं। यानी 2 की पावर 4 करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 की पावर 4 करें, यानी 2 को अगर हम टू को अगर हम जो है 4 टाइम लिखें, एट, ठीक है, और इसके बाद 16, यानी ये 16 हमारे पास आ रहा है, ये 2 2 byte के अंदर। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा हमारा, तो इसको हम मजीद पहले ये वाला कर लेते हैं। कन्वर्ट 240 MB ऑफ मेमोरी इन बाइट्स एंड किलो बाइट्स। यानी उसने कहा है कि 240 MB है मेमोरी के, उसको पहले बाइट में कन्वर्ट करो फिर से किलो बाइट में कन्वर्ट करो। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वाला जो है अप्रोक्सीमेटली ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये टेबल सारा याद है तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 3 लाइनें आपको अच्छे से जो है वो कोई भी किसी तरह की वैलिडिटी आप कर लोगे। यहाँ पे जो है 220, यानी पहले हमें पता चले एमबी का क्या उसका बाइट के हिसाब से उसका साइज था, 220 था। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन 240 MB वो क्या होगा, 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरी यूज होता है, 220 bytes। आप ये हमने क्या कर दिया, इसे बाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब मजीद हमने मेगा बाइट से छोटा कौन सा है, किलो बाइट। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपसे कहेगा ना कि जो है इनकेस मेगा बाइट है तो उसको आप कन्वर्ट करो
इसके छोटे इसके पीछे वाले से यानी किलोबाइट में करेगा, वो आपको ये कभी नहीं कहेगा इसको जो है आप गीगाबाइट में कन्वर्ट करो या टेराबाइट में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। अगर वो होता है पॉसिबल, लेकिन वो जो है मतलब कॉमनली यूज नहीं होता। अगर वो आपको कहता है गीगाबाइट, तो बोलेगा इसे पहले बाइट में कन्वर्ट करो, और फिर इसका गीगाबाइट से छोटा क्या आ रहा है, मेगाबाइट में कन्वर्ट करो। इससे मजीद वो आपको ये नहीं बोलेगा किलोबाइट में कन्वर्ट करो, यानी इससे पीछे वो नहीं जाएगा, बस अपने से एक लेस देन पीछे जाएगा इसे कन्वर्ट करके। ठीक है, तो आते हैं, लेकिन आपको आपका जो एक क्लास का है उसमें सिर्फ इतना ही आपसे पूछेगा, एमबी से छोटा किलोबाइट है तो किलो केबी, किलोबाइट ऐसे भी लिखा जा सकता है या केबी में कह सकता हो। ठीक है, यहाँ बी भी बड़ा बी भी लिख सकता है, या वैसे भी पूरा पूरा लिखता है, शॉर्टकट में नहीं यूज करते क्योंकि बच्चों को इतना वो नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन 240 MB, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, यानी बाइट वाला हमारा हो गया। अब नंबर ऑफ किलो बाइट्स इन 1 MB, 1 MB के अंदर कितने किलो बाइट होते हैं, 210 किलो बाइट्स। ठीक है, ये पढ़ा हमने, 1 MB के अंदर कितना कितने होते हैं, 210 किलो बाइट, वन यानी 1024 किलो बाइट। अब इसको जो है ये कैसे पता चलेगा ये कितने हैं, 1024 किलो बाइट, यानी किलो बाइट्स की आपने मजीद वैल्यू नहीं लिखी, आप बस 210 की लिखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल किलो बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 1024 किलो बाइट्स। यानी इसके इन केस अगर मैं बात करती हूँ कि अगर वो कहता है कि आपके पास जो है ये यहाँ पे आपके पास जो है उसने बोला कि 240 GB है। ठीक है, इसको पहले जो है कन्वर्ट करो, इसको पहले आप इसमें कन्वर्ट करो, पहले बाइट्स में कन्वर्ट करो, और फिर इसके बाद अब जीबी से छोटा क्या आता है, जीबी से छोटा हमारे पास क्या है, मेगाबाइट्स, यहाँ इसे मेगा बाइट्स में कन्वर्ट करो। तो आपने आपको पता होना चाहिए कि 1 GB के अंदर जो है, 1 GB के अंदर कितने 1024 MB होते हैं। ठीक है, इस तरह से ही आ जाएगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो जीबी का वो क्या फार्मूला है, 2 GB का क्या आता है हमारे पास, के 230, यानी इसे पहले बाइट्स में करें तो इसका बाइट्स में क्या आएगा, 230 बाइट्स। बाइट्स जरूर आपने लिखना, अगर आप बाइट्स साथ नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इन क्या 230, तो आपको लिखना पड़ेगा बाइट्स। ठीक है, तो 230 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 230, यानी 2 की पावर यहाँ पे हम 30 कर देंगे, तो इसको यहाँ पे 30 होगा, तो उसको वो वर्ड में हो जाएगा, यहाँ पे वही होगा, इसलिए इसको आप यहाँ ऐसे रहने दें। 230 यानी यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 230 2 की पावर 30 MB, 224 मल्टीप्लाई बाय 230 बाइट्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अगर यहाँ पे जीबी लिखा होता। ठीक है, और अब क्या बोलता कि आपको बोलता कि एमबी का है तो किलोबाइट बोलता, अगर जीबी होता तो क्या बोलता आपको, मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करने को बोलता, तब आपने क्या करना था कि टू मेगाबाइट्स का वो कितना होता है, 220 होता है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आता 240 मल्टीप्लाई बाय 1024 मेगाबाइट्स, इस तरह से वो आपका चेंज हो जाना था। अब कन्वर्ट 60 GB ऑफ मेमोरी इनटू वर्ड्स, नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 GB 230 होते हैं। ठीक है, मतलब 60 GB है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो, इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, वो क्या है कि नंबर ऑफ बाइट्स इन 60 GB, 60 मल्टीप्लाई बाय 230, ये वही वाला जो ऊपर हमने ये काम किया, इतना तो वो बाइट्स वाला तो सेम ही रहेगा प्रोसेस। अब वो कहाँ चेंज होता है कि वो वहाँ चेंज होता है जब वहाँ चेंज होता है जब आपके पास वो कहता है कि मेगा बाइट्स को जो है किलो बाइट्स में कन्वर्ट करो, तो तब ये वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है। लेकिन जब वो बोलता है कि जीबी को जो है आप वर्ड में कन्वर्ट करो, तो आपने 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 क्या करना है, तो आपने लिखना है नंबर ऑफ वर्ड्स इन 4 बाइट्स, 1 W, यानी एक वर्ड को बराबर होता है, आपने उसको 60 बाय 4 कर देना, यानी इसको आपने 60 को डिवाइड कर देना 4 के ऊपर, आपने इसको नहीं छेड़ना। पहले हम क्या करते थे, इसको हम वो ओपन करके दे रहे थे ना, इसको हम नीचे छेड़े, यानी इसके ऊपर पहले हम किसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे थे, हम जो है इसके ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे थे, ये 240 इसको हम कुछ नहीं थे कर रहे। ठीक है, लेकिन वर्ड्स में क्या होगा कि आपने इसके ऊपर इसको कुछ नहीं करना, आपने बस उसके वो साइज लिख देना है, और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स वैल्यूज होंगी उसको आपने कन्वर्ट 60 बाय 4, उसको 4 के साथ डिवाइड कर देना है, और उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो
इसमें सिर्फ इतना ही सा